हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही टेस्टी सूप लेकर आई हूँ, मशरूम का सूप। और ठंड में गरम गरम सूप मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले लिया ये फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में हम डाल देंगे मक्खन। तो मक्खन ये मैंने 2 चम्मच लिया है। इसको हम अच्छी तरीके से मेल्ट होने देंगे। तो मक्खन हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो इसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ प्याज। तो एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी और इसको बारीक कट कर लिया। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको हम हल्की आप भून लेंगे, यानी इसका हल्का कलर चेंज कर लेंगे। तो प्याज का हल्का कलर चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद हम डाल देंगे ये अदरक। तो अदरक मैंने कद्दूकस कर ली थी, अब इसको हम डाल देंगे। ये मैंने 1 चम्मच लिए, यानी पेस्ट लिया है। अब इसको भी हम हल्का सा भूनने देंगे। तो प्याज और अदरक हमारी अच्छी तरीके से हो चुकी है। तो अब ये मैंने मशरूम ले लिए। मशरूम का मैंने 1 पैकेट लिया है, वो 200 ग्राम का था। और इस तरीके से छोटे छोटे शेप में काट लिए। तब हम मशरूम डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। तो मशरूम हमारे अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। तो नमक मैंने 1 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर इसके बाद डाल देंगे काली मिर्च। तो काली मिर्च मैंने ये दरदरी कूटी है, यानी आप जब भी सूप बनाएं तो काली मिर्च को डायरेक्ट ही कूटें, यानी कि जब बनाएं तभी इसको कूटें, यानी फ्रेश। अब इसको हम मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम 4 मिनट ढक के पका लेंगे। तो अब इसका ढक्कन हटाएंगे। मशरूम को पकते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से यानी चला लेंगे एक बार और 2 मिनट के लिए इसको खुला पका लेंगे, यानी ढक्कन नहीं लगाएंगे हम। तो मशरूम हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब इसके अंदर से हम ये आधी मशरूम निकाल के पीस लेंगे और केवल आधी मशरूम यानी थोड़ी सी मशरूम हम छोड़ देंगे। तो ये सारी मशरूम लेके मैं पीस लूंगी इसको। तो मशरूम हमारी अच्छी तरीके से पिस चुकी है, तो वो हम इसके अंदर डाल देंगे, यानी सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर इसके अंदर हम पानी डालेंगे। तो पानी मैं ये 1 कप डाल रही हूँ और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके इसके अंदर डाल देंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेंगे। तो सूप में अच्छी तरीके से बॉईल आ गया है। तो अब इसके अंदर अरारोट, यानी ये मैंने 2 चम्मच लिया है। तो अब इसके अंदर मैं पानी डाल के इसका एक घोल तैयार कर लूंगी। तो अरारोट का घोल बना लिया है, तो इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक साथ ना डालें आप, गुठली पड़ जाएंगी। तो इस तरीके से मिक्स कर दिया है मैंने। फिर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी और फिर हम इसको मिक्स कर देंगे और फिर ये मैं सारा डाल दूंगी इसके अंदर और इसको हम 2 मिनट के लिए अच्छी तरीके से पका लेंगे। तो अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया अरारोट और ये उबल भी चुका है। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सूप लग रहा है। तो अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच ये नींबू का रस डाल दूंगी और इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर 4 चम्मच क्रीम। तो ये मैंने क्रीम ली है, 1, 2, 3 और ये 4 और इसको हम अच्छी तरीके से अब मिक्स कर देंगे और 2 मिनट और पका लेंगे हम। तो क्रीम हमारी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसको भी हम मिक्स कर देंगे। अब मैं करूंगी इसको गर्मा गर्म सर्व। तो हमारा मशरूम सूप बनके बिल्कुल तैयार है। अब ऊपर से हम थोड़ी सी क्रीम और डाल देंगे, इस तरीके से इसको थोड़ा डेकोरेट कर देंगे। ये देखने में और भी ज्यादा प्यारा लगे और पीने में तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी और यमी है। तो आप एक बार इसको जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी मशरूम सूप की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स।